हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मंजू और आप देख रहे हैं मेरा चैनल केरला रसोई इन हिंदी। मैं आज आपके लिए लेकर आई है केरला स्पेशल सांभार, वो भी बहुत कम सब्जियों से, और कोई सांभार मसाला इसमें नहीं है और इतना टेस्टी सांभार है आपको देखने से ही पता है। इसमें ज़्यादा सब्जियाँ भी नहीं है। मैं इधर आपको यही सेम रेशो में बना सकते, 5 छोटा सा प्याज है, 2 मीडियम साइज का आलू, 1 ही गाजर और 2 बैंगन वो भी छोटा है, और 5 या 6 भिंडियाँ और 2 टमाटर, 2 या 3 हरी मिर्ची, 1 छोटा सा कद्दू का पीस है। कद्दू अगर ज़्यादा पक गया तो मत डाल दीजिए, कच्चा कद्दू ऐसा डाल सकते हैं। फिर हमें चाहिए अरहर की दाल। ये सांभार का स्पेशल दाल है, सांभार दाल या अरहर की दाल बोल सकते हैं। ये 1/2 कप, इसको पहले अच्छे से वॉश करना है, इसमें कीड़े होगा और इसमें इसे हाथ डाल के अच्छे से वॉश करने से पीला पीला निकलेंगे। दाल अच्छा साफ होने के बाद 1 ग्लास पानी डाल के इसको थोड़ा सॉफ्ट होने के लिए रख दीजिए। तब तक हम वेजिटेबल्स का कटिंग शुरू हो गया। वेजिटेबल्स का छिलका निकाल दिया, फिर छिलका निकालने के बाद इसको वॉश करना है। सब्जियां कभी भी काटने के बाद पानी नहीं डाल के, पानी में वॉश नहीं करना। फिर ये सब्जी का छिलका निकालने के बाद पानी डाल के वॉश किया, फिर इसके बाद सब्जियां काटना है। सांभर के लिए सब्जियां काटने के लिए भी एक अलग ही तरीका है, क्योंकि कोई कोई लंबा पतला ऐसे काट देते हैं, लेकिन ऐसे नहीं। ए है आलू काटने का तरीका। ऐसे सेम शेप में रहना चाहिए सारे सब्जियां। देखिए, गाजर भी काट दिया। अभी कद्दू का पीसेस देखिए, एक ही एकदम से बराबर रहना चाहिए, लंबा नहीं, ऐसे शेप में चाहिए। देखिए बैंगन का शेप, बैंगन भी हम काट दिया। अभी प्याज काट के दिखा रहे, प्याज भी ऐसे, एक प्याज को 2 करके 3 या 4 में काट सकते हैं। लेकिन हरी मिर्ची ऐसे ही काटना है, लंबा सा 2 पीस नहीं होना चाहिए। और भिंडी देख लीजिए, भिंडी भी ऐसे काट दिया। टमाटर का पीसेस देखिए, टमाटर भी हम काट दिया। अभी देखिए हमारा सारे सब्जियां काट के एक बर्तन में डाल दिया। सारे सब्जी एक साथ नहीं है, इसमें अलग से रखा है भिंडी, टमाटर और हरी मिर्ची 2 काटा था, वो अलग से रखा है, क्योंकि उसको हम अलग से पकाएंगे। अभी कुकर में हम डाल दिया जो पहले भिगो के रखा था दाल को, दाल साफ रखा था वो डाल दिया, और उसके बाद 1/2 लीटर पानी भी दिया। पानी के साथ में 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच हल्दी का पाउडर दिया। इसके बाद जो पहले काट के रखा था बाकी सारे वेजिटेबल्स, किसको किसको छोड़ के, टमाटर, भिंडी और हरी मिर्ची को छोड़ के बाकी सब डाल दिया, और साथ में थोड़ा सा कड़ी पत्ता भी डाल के कुकर को बंद कर दीजिए। फुल फ्लेम में 1 सीटी आना है, फिर इसके बाद कुकर सिम में रख दीजिए स्टोव, इसके बाद और 1 सीटी, फिर बंद कर दीजिए। इससे हमारा सब्जियां पक जाएगा। फिर इसके बाद हम एक कढ़ाई रखा है, फिर इसमें थोड़ा सा तेल, 1 चम्मच से भी कम तेल डाल दीजिए। तेल गर्म होने के बाद जो काट के रखा था सब्जियां, भिंडी, टमाटर और हरी मिर्ची डाल के थोड़ा सा फ्राई करना है, हल्का सा। फिर इसके बाद फिर इसमें बाकी सारा सब्जियां में हम हल्दी और नमक दिया था, और इसमें भी थोड़ा सा हल्दी और नमक डाल के थोड़ा सा फ्राई करना है। इसके बाद इसको ढककर रखना है, बस 1 मिनट के लिए ढककर रखना है। 1 मिनट के बाद देख लीजिए, टमाटर थोड़ा सा नरम हो गया, भिंडियाँ भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया। फिर इसके बाद हम देंगे इसमें हमारा बाकी सांभर का मसाले। मसाले में मैं इधर दिया मिर्ची का पाउडर 2 चम्मच के लिए, और मेथी का पाउडर, धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच के लिए हींग। ये सारे मेजरमेंट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वो भी चेक कर लीजिए।
फिर सारे मसाले थोड़ा सा फ्राई होना है। इस मसाले में थोड़ा सा कच्चा टेस्ट रहेगा, वो जाने के लिए थोड़ा सा फ्राई करना है। फिर ये मसाला फ्राई हो गया तब तक फिर में हम पानी डाल देंगे। पानी डाल के अच्छे से बॉईल होना है, फिर इसको ढककर रखना है, तभी ये भिंडी टमाटर मसाला सब पक जाएगा। अभी देख लीजिए हमारा कुकर का सीटी गया और कुकर ठंडा हो गया। अभी देख लीजिए सब्जियां और दाल अच्छे से पक गया। एक बार ऐसे चला दीजिए, तभी देखना सब्जी भी पूरे अच्छे से पक के सॉफ्ट हो गया और दाल भी अच्छे से, देखिए पूरा अच्छे से सॉफ्ट हो गया, अच्छा पक गया। इतना पकना चाहिए, तब तक हमारा जो कढ़ाई में रखा था वो उसी में उबल आ गया, अच्छे से बॉईल हो गया। इसी टाइम जो कुकर में रखा था कुकर से कढ़ाई में डालना है। कुकर का जो सब्जियां और दाल पक गया वो अभी हम कढ़ाई में डाल दिया, साथ में पानी भी डाल सकते हैं, आपको कितना कंसिस्टेंसी चाहिए उतना पानी डाल सकते हैं। अच्छे से चला के देख लीजिए, अगर आपको लग रहा है पानी इसमें कम है, इससे ज़्यादा कंसिस्टेंसी चाहिए, तो इसी टाइम आपको पानी डाल सकते हैं। उबल आने से पहले पानी डाल दिया, पानी डाल के फिर अच्छे से बॉईल होना है। मसाला दाल सब्जियां अच्छे से मिक्स होना है, ऐसे चला के मिक्स करके देख लीजिए, आपका कंसिस्टेंसी भी टेस्ट कर लीजिए। फिर मैं अभी थोड़ा सा नमक टेस्ट किया, मुझे थोड़ा नमक कम लगा इसलिए मैं आधा चम्मच नमक भी डाल दिया। फिर अच्छे से उबल आना है, अच्छे से चला दीजिए, फिर हमारा सांभर रेडी। फिर हम इसमें तड़का देना है, तड़का बहुत ज़रूरी है सांभर में। ये नारियल का तेल दिया गया, अगर आपको नारियल का तेल नहीं है तो कोई भी रिफाइंड ऑयल आप में यूज़ कर सकते हैं। और प्याज छोटा काट के डाल दिया और इसमें लाल मिर्च भी डाल दिया। अभी मैं डाल दिया सरसों, सरसों डालने के बाद सरसों छिड़कने लगा तभी मेथी का दाना थोड़ा सा डाल दिया। अभी सरसों छिड़क दिया, मेथी भी छिड़क गई, अभी रेडी हो गया। कड़ी पत्ता भी डाल दिया था मैं सांभर का ऊपर। फिर इसमें चुटकी सी हींग का पाउडर, अभी रेडी हो गया सांभर। अगर आपके पास धनिया का पत्ता है तो अभी इसमें लास्ट में धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं। हो गया रेडी हमारा सांभर, इतना टेस्टी, अभी इतना खुशबू आ रहा है ना। थोड़ा सा नारियल का तेल में तड़का लगा के देख लीजिए, सांभर इतना टेस्टी और इतना महक आते हैं, बहुत टेस्टी सांभर है। अभी मैं आपको एक बाउल में सर्व करके दिखाते हूँ। देखिए हमारा सांभर इतना टेस्टी, केरला स्पेशल सुपर सांभर रेडी है। आपको इडली या दोसे या चावल या चपाती परोठा किसी के साथ भी ये खा सकते हैं। आपको अच्छा लगा ना आज का मेरा सांभर का रेसिपी? अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपका कमेंट्स भी मुझे ज़रूर दीजिएगा। फिर से हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग।